उत्तर प्रदेश के बरेली से 11 साल की अनुसूचित जाति की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि दूसरे समुदाय के एक युवक ने बच्ची को अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि इसे लेकर गांव में तनाव का माहौल है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वही किशोरी की परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला बिशरातगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक दलित युवक ने बताया कि गैर संप्रदाय का युवक साजिद उनकी 11 साल की पुत्री को बहलाकर 31 मई की सुबह लगभग 4 बजे ले गया। उन्होंने बिटिया को खोजने की खूब कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। इस दौरान उन्हें साजिद के बारे में कहीं से जानकारी मिली। जानकारी के बाद वह साजिद के पिता के पास गए और अपनी बेटी को वापस मांग करने लगे। इस पर साजिद के पिता ने आश्वासन दिया कि वह उनकी बिटिया वापस बुला लेंगे, लेकिन इसके बावजूद जब वह नहीं आए तो वह फिर से उनके पास गए तो घर की महिलाओं ने कहा कि बेटी का निकाह कर दो साजिद के साथ, तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। अब आप ही बताइए इन लोग की सोच क्या है। वहीं इस मामले को लेकर इलाके में माहौल गरमाया हुआ है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता किशोरी की बरामदी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में आरोपित और उसके परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता की अभी तक बरामदी नहीं हो सकी, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर बताया गया कि पुलिस घर पर भी जाकर उन घर वालों को धमकाया है कि अगर बिटिया नहीं मिली तो पुत्र जल्दी ही पकड़कर जेल में ले जाया जाएगा। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।